गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मीरवाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने उलमाए दीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि गिरफ्तारियों का मकसद वक्फ बोर्ड की हजारों कनाल अराजी और अमलाक पर कब्जे के खिलाफ उनकी आवाज को खामोश कराना है। वादी कश्मीर की तमाम मजहबी और समाजी तंजीमों के इतिहाद मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर से जारी एक बयान में अफसोस जाहिर किया कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों की मुनफरद मजहबी और सकाफती शनाख्त को मसक करने के लिए बेगुनाह उलमाए किराम को पब्लिक सेफ्टी एक्ट और गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम के काले कवानीन के तहत गिरफ्तार कर रही है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने वाजिया किया कि अराजी पर कब्जे के अलावा सियासी कारकुनों और मजहबी रहनुमाओं की हालिया गिरफ्तारियों का मकसद मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व एजेंडे के जबरदस्ती नफाज किरा हमवार करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की इंतखाबी फहरिस्तों में गैर कश्मीरी वोटरों की शमूलियत की मजम्मत करते हुए इसे मकबूजा इलाके में आबादी के तनासुब के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मरकजी रहनुमा रतन लाल गुप्ता ने कहा है कि 25 लाख गैर कश्मीरी वोटरों को इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल करने से मुतलक चीफ इलेक्टोरल आफिसर के हालिया ऐलान का मकसद बीजेपी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक को पामाल करना है। नई दिल्ली में कांग्रेस ने भारतीय आईन की दफा 370 के बारे में अपने साबिक रहनुमा गुलाम नबी आजाद के दावे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट या नई हुकूमत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को मंसूख करने के गैर जमहूरी गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम को वापस ले सकती है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को यकीन है कि 5 अगस्त 2019 और उसके बाद मोदी हुकूमत ने जो भी गैर कानूनी इकदाम किए थे वो गैर कानूनी और गैर आईनी है और इसके लिए उन्हें मंसूख करने के लिए पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत की जरूरत नहीं है। बरतानिया के शहर लेस्टर में बेगुनाह मुसलमानों पर हिंदू जुनूनियों के बढ़ते हुए हमलों पर रद्दअमल जाहिर करते हुए मारूफ अरब सहाफी मुसन्निफ और कालम निगार अब्दुल्ला अमाजी ने खबरदार किया है कि हिंदू मुस्लिम कशीदगी उन अरब ममालिक को भी अपने लपेट में ले सकती है जहाँ RSS के हिंदुत्व नजरे से मुतासर हजारों हिंदू कारकुन मुकीम है। अल अमाजी ने एक ट्वीट में कहा कि लेस्टर में मुसलमानों पर हिंदू जुनूनियों के हमले को खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के लिए एक इंतबाह समझा जाना चाहिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू कश्मीर शाख के साबिक कन्वीनर मोहम्मद फारूक रहमानी ने इस्लामाबाद में एक बयान में गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हिंदुत्व हुकूमत की तरफ से नौजवानों और मोमिर अफराद की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों पर तश्वीश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 6 मुमताज मजहबी शख्सियात की गिरफ्तारी मोदी हुकूमत के इस्लाम और उसके बुनियादी अकायद की जगह हिंदुत्व नजरिए को मुसरत करने के बड़े मनसूबे का हिस्सा है।